खबर विदिशा जिले के सिरोंज से है, जहां तहसील कार्यालय पर इकोदिया पंचायत के निवासियों ने पंचायत सचिव की कार्य प्रणाली का विरोध किया है। बता दें कि बीते दिनों इकोदिया पंचायत के निवासियों ने पंचायत सचिव के खिलाफ नारेबाजी कर शिकायत की थी, जिसमें ग्रामीणों का आरोप था कि सचिव नवीश रघुवंशी ठीक से काम नहीं करता, वो हर काम की बदले रिश्वत मांगता है, जिस पर जनपद पंचायत की तरफ से 2 सदस्यों का जांच दल बनिया थाने ग्राम भेजा गया था। वहीं अब ग्रामीणों का आरोप है कि जांच दल लीपा पोती करके चला गया, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। वहीं इस विषय को लेकर एसडीएम हर्षल चौधरी का कहना है कि सक्षम अधिकारी भेजकर दोबारा से ग्रामीणों के आरोपों की जांच करवा लेंगे। वहीं जांच दल के रवैये के बारे में जनपद सीईओ वंदना शर्मा का कहना है कि अभी जांच प्रतिवेदन मिला नहीं है, रिपोर्ट हाथ में आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। जानकारी के मुताबिक जांच दल की लीपापोती के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। अब लोग कह रहे हैं कि सिरोंज विदिशा शिकायत करने के बाद भी सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण अरविंद अहिरवार का कहना है कि अजय सचिव की आईडी चलाता है और वही सब काम करता है, सचिव उसी को हर काम के पैसे भी दिलवाता है और जो पैसे नहीं देता उसके काम नहीं होते। इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार तो गरीबों के लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोग उनको हितग्राहियों तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। सेक्रेटरी को बोलते हैं पंचायत में काम करो, तो सेक्रेटरी पैसे बोल लेते हैं। हमने बोली पर्ची अगल कर दो हमारे भैया की, तो उन्होंने बोला 200 रुपये दो जब पर्ची अगल करेंगे। हमने बोली फ्री हो रही है पर्ची अगल, तो नहीं मैं तो पैसा लूंगा। तो सेक्रेटरी तो पैसा नहीं लेता, वो अजय लेता है, अजय उसकी आड़ी चलाता है सचिव की, तो वो अजय को पैसा दिलाता है। इसकी जानकारी मुझे आपके द्वारा भी प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से अगर किसी के द्वारा कोई मांग की गई है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप अगर लगा हुआ है, तो उसकी पुनः जांच करवाई जाएगी। मेरे संज्ञान में अब आ चुका है, तो मैं एक बार फिर से दल गठित करता हूँ, उसमें जिम्मेदार अधिकारियों को मैं उस दल में रखूँगा और हम पुनः उसकी जाँच करवा देंगे कि यदि कोई अनियमितता हुई है। और इस जाँच के प्रतिवेदन में अगर इस तरीके का पाया जा रहा है कि कोई गलत प्रतिवेदन बनाया गया, तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। आपकी समस्या नहीं सुनी, थोड़ी थोड़ी लगा लिख के कुटी नहीं है, रास्ता नहीं है, लेट रंग नहीं है, पढ़ने की और नहीं है, ये रोड इतना डर रहा, तो ये मैं इतना डर रहा सर कहीं मान पुरा नहीं है, ये दरगाह इतने टकरे इतने गांव तक यहाँ डर नहीं थी, मैं टकरे डर रहा हूँ। मुझे समस्या है, हमारी बहू को भी नहीं चढ़ा पर्ची पे और हम लोग नहीं चढ़ा, क्यों नहीं चढ़ा? जब कही थी तो मुझे बोला लगे कि कुछ पैसे वैसे दे दो तो हम चढ़ा देंगे। पैसे कितने मांगे थे? अब जय कह लो कि कुछ दे देना, कुछ लेना देना कर लीजिए पैसा, मैंने हम ले दे क्या करेंगे, सबकी तो सरकार से चढ़ रहे हैं, ऊपर से आदि आ रहे हैं, हम कहा चढ़ा ना तुम पैसा ना लिखाई की। मेरा 10 साल का लड़का हो गया जी, और इसका 8 साल हो गए, मुझे शिकायत करा 181 लगाई, फोटो कापी आधार कार्ड सब मांगते हैं, दे देता हूँ, नाम ही नहीं जोड़ रहे ये बच्चों के, नाम नहीं मिला, नाम नहीं लिखा रहा उसको, और ये जोड़े ही नहीं रहा आईडी में, नहीं जोड़ रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सिरोंज से संवाददाता अक्षय कुमार अहिरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, जिस तरीके से इकोदिया पंचायत का ये मामला सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि वहां के जो पंचायत सचिव हैं उनकी कार्य प्रणाली पर लगातार विरोध जताया जा रहा है और इसको लेकर शिकायत भी की गई है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। मैम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 14 सितंबर को जब सिरोंज तहसील कार्यालय में इकोदिया जनपद पंचायत के निवासियों ने सचिव पर आरोप लगाते हुए उन्हें तहसील में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा था एसडीएम जी नाम, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि पंचायत में काफी काम नहीं हो रहा है, आवास योजना भी उन्हें नहीं मिली है और यहाँ की शौचालय योजना जो चल रही है उसके भी नहीं मिल रही है उन्हें, और उसके अलावा वो यानी के पैसे मांगते हैं रिश्वत की तौर पर उनके काम कराने के लिए, जैसे कि राशन पर्ची है उसके पैसे मांगे जाते हैं उनसे ग्रामीणों से। तो वहीं अक्षय, जिस तरीके से ज्ञापन सौंपा गया, शिकायत भी दर्ज कराई गई, तो उसके बाद 2 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया था, तो उसकी जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया है? ग्रामीणों का कहना है कि मैं जांच के दौरान उन्हें संतुष्टि नहीं हुई है, जांच में जांच दल जब पहुंचा ग्राम पंचायत इकोदिया में, तो उन्हें ग्रामीणों को आक्रोश और उनके अलावा उनको कोई सुनवाई नहीं की गई है, तो उसमें एक बार और उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है। तो वहीं एसडीएम की ओर से ग्रामीणों को क्या आश्वासन इस मामले को लेकर दिया गया है? एसडीएम की ओर से आश्वासन दिया गया है कि हम दूसरी जांच करवाएंगे, उसको टीम गठित करते हैं, दोबारा फिर जांच करवाते हैं, ये आश्वासन दिया गया है।
जिस तरीके से अक्षय ग्रामीणों की ओर से रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया जा रहा है, तो जिस तरीके से आपकी बात हुई होगी तो ग्रामीणों का किस तरीके का रुख सामने आ रहा है? ग्रामीणों का कहना है कि मैं उनसे उनके कार्य करवाने हेतु पैसे मांगे जाते हैं सचिव द्वारा, और सचिव का कहना है कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो मैं एक लड़का रखा है उनको ऑपरेटर के तौर पर। जी ठीक है, अक्षय कुमार अहिरवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि सिरोंज के इकोदिया पंचायत में लगातार पंचायत सचिव पर आरोप लग रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से ज्ञापन सौंपा गया, शिकायत दर्ज कराई गई, उसके बाद एसडीएम ने दोबारा जांच करने का आश्वासन भी ग्रामीणों को दे दिया है।